वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज फिर से हाजिर हैं हम लोग एक और सैंपल पेपर प्रॉब्लम को लेकर। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, आपके सामने है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रोन। दो टेंजेंट बनाई है, एक तो ए पी और एक पी बी। पी ए और पी बी दो टेंजेंट बनाई हुई है, कह रहे हैं बनाई गई है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो सेंटर नहीं बना हुआ था, तो ओ उसका सेंटर है। एट अ पॉइंट ई, इस ई पर यहां पर ये पॉइंट है ई। उसके बाद ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी सी एंड डी। एक लाइन हमने और ड्रॉ कर दी, तो फिगर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं इसका जो है फिगर भी आपको समझा देता हूं। देखो इन्होंने दोबारा से बताते हैं आपको, ये कह रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स। तो एक सर्कल बनाया, एक एक्सटर्नल पॉइंट जिसका पॉइंट का नाम है पी, वहां से हमने दो टेंजेंट बना दी जिनका नाम हमने पी ए और पी बी रखा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद इन्होंने कहा ड्रॉ अ सर्कल एट ओ, एट अ ई, ठीक है, सेंटर एट ओ, एट अ पॉइंट ई, और ई एक पॉइंट बनाया हमने ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। उसके बाद अ टेंजेंट इज ड्रॉन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी। यहां से हमने एक टेंजेंट बना दी जो कि पी ए और पी बी को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। उसके बाद रेस्पेक्टिवली एट सी एंड डी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिगर आपको पूरी समझ में आ गई होगी। वही ये कह रहे हैं इफ द पी ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये पूरी की पूरी पी ए 10 सेंटीमीटर की है, तो फाइंड कीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। तो ये जो ट्राइंगल पी सी डी है ना, इसका एरिया आपको, सॉरी इसका पैरामीटर आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, तभी आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि जब दो टेंजेंट्स आपस में एक पॉइंट पर टकराती हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाती हैं। तो अगर ये पी ए जो लाइन हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर की है, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो पी बी भी अपने आप ही 10 सेंटीमीटर की होगी, नंबर वन बात। तो मैं कह दूंगा पी ए इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा बोथ टेंजेंट आर ऑन सेम एक्सटर्नल पॉइंट। जब ये सब हो जाए उसके बाद आप एक चीज और ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको ये भी दिख रहा है कि एक तो लाइन एसी, एक टेंजेंट एसी और एक टेंजेंट सीई, क्या आपको ये दो टेंजेंट नहीं नजर आ रही? ये भी एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट सी पर टकरा रही हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं एसी इक्वल्स टू सीई। यहां पर फिर वही बात कह देंगे हम, बोथ टेंजेंट, है ना, पूरी बात लिख देंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट वही बात, वैसे आप दो, वो जो हम करते हैं ना, दो कोमा लगा देते हैं, अरे ये तो मैंने पूरा ही लिख दिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद ये देखो आप, ये डी जो है बी डी इक्वल्स टू डी ई, क्या ये भी तो सेम ही पॉइंट्स पे आ रहे हैं, दोनों एक ही टकरा रहे हैं। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं बी डी इक्वल्स टू डी ई या ई डी। तो सर ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट सी पे टकरा रहे थे, ये दोनों एक ही डी पे, तो वही पुरानी बात हम सारी की सारी लिख देंगे, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब आगे करते हैं। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमें इस पूरे ट्रायंगल पी सी डी का पैरामीटर बताना था, तो मैं लिख सकता हूं यहां पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सो बैटरी कम होने की वजह से मोबाइल मेरा डेड हो गया था,
तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हम करके क्या रहे थे, हमें पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी निकालना था। अब बच्चों आप इस ट्रायंगल पीसीडी का जो पेरिमीटर होगा वो क्या होगा, वो होगा सर पीसी। पीसी मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये रफली मैं बना के दे रहा हूं, पी सी डी, ठीक है। तो पीसी प्लस सी डी प्लस पी डी, यही होगा ना, है ना। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, पीसी प्लस, अब ये सी डी जो है ये दो लाइन से मिलके बन रही है, सी डी की जो लाइन है ये दो लाइन से मिलकर बन रही है, सी ई प्लस ई डी, मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा सी ई प्लस ई डी, ठीक है, और पी डी अपनी जगह पे। अब सी ई जो है वो था किसके इक्वल, सी ई था ए सी के इक्वल, तो सी ई की जगह अगर मैं ए सी लिख दूं, और ई डी किसके इक्वल था, ई डी था बी डी के इक्वल, तो मैं यहां पर बी डी लिख देता हूं। आप लोग भी सोचोगे सर इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि ये है पी सी प्लस ए सी, तो पी सी प्लस ए सी कित क्या हो गया, ए पी बन गया ना पूरा का पूरा, और पी डी, ये रही पी डी, और बी डी, इनको प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बी पी। अब हमें तो ये गिविन था ना कि पी ए जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर है, और मैं बोल चुका था कि पी ए अगर 10 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्वल था आपस में, तो पी बी भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये तो 10 ही था, +10। ऐसे करके हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये था हमारा आंसर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता के, क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं बगैर किसी चिंता के, आंसर भी आप नोट कर सकते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर नए हो आप लोग और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ अगर ये साल आपका अब एंडिंग पर है अगर, तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका भी प्रॉफिट होगा, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जो है एनसीईआरटी के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।